नमस्कार, ये लगभग एक 35 वर्षीय लेडी का पाम है और इनका प्रश्न पहला शादी यानी मेरिड शादी कब होगी ये इनका प्रश्न है, दूसरा संतान को लेके है, तीसरा करियर और चौथा हेल्थ को लेके इनका प्रश्न है। ठीक है, सारे पहलुओं पे आपने प्रश्न कर ही लिया है तो वन बाय वन बात करते हैं आपके। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ आपके हाथ में बुध की उंगली की। ये स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति है। जब बुध की उंगली बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है तो ऐसे लोगों का प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है। ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में, मैनेजमेंट में, मनी मैनेजमेंट हो या डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, इसमें याद शक्ति, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ऐसे लोग थोड़े से कमज़ोर देखे जाते हैं। तो ऐसे समय में ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और एक अजीब सा कॉम्बिनेशन मुझे आता है जो आपके प्रश्न और आपके जिस हिसाब से बातचीत हुई है उस हिसाब से ये चीज़ बड़ा अजीब सा है। मैं इस चीज़ पे अभी मुहर नहीं लगाता, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ऐसे लोग थोड़े से अनबैलेंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका शुक्र जो है बहुत एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग है, बहुत एक्सेसिव, और उस हिसाब से ये बुध की उंगली बहुत ही वो भी अब नॉर्मल है। तो ये ऐसे लोग जो है अनबैलेंस होते हैं सेक्सुअल लाइफ में। तो ये थोड़ा सा इशारा है आपके हाथ में, ठीक है। बाकी अब बात आ गई इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी देखते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली लगभग बराबर है। जब भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसे लोग जीवन में फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता इनकी काफ़ी बहुत अच्छी होती है, फास्ट निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते किसी चीज़ को निर्णय लेने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सूर्य की उंगली भी शनि की उंगली भी आपकी टिल्टेड है सूर्य के साइड में। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा, ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं, यानी कि अपना चापलूसी वाला काम होता है ना, ऐसा इनको करना आता है। और साथ में आपका हार्ट लाइन भी वही बता रहा है। हार्ट लाइन भी आपका एकदम स्ट्रेट होकर शनि के नीचे आके रुकता है। ऐसे लोग थोड़े से मनी माइंडेड होते हैं, अपना काम निकालने में जो भी तरीका ये यूज करना चाहें वो यूज करके अपना काम निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, थोड़ा सा साढ़े साथी की पीड़ा इनको महसूस होती है। जब इनकी साढ़े साथी आती है, न्याय देता न्याय करते हैं, तो इनको थोड़ा सा प्रतिफल उसका अच्छा नहीं मिलता है। बाकी गुरु की उंगली ऐसा है, तो गुरु की उंगली जब भी बेंड होती है तो धार्मिक भावना रहती है, अपने मान मर्यादा कुल की सबका ध्यान रहता है, कुल की मान मर्यादा संस्कार को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग, अब देखो यहाँ पे एक अजीब सा कॉम्बिनेशन आता है। जब ऐसा हो, ऐसे लोग बड़े ही किसी भी काम को गंभीरता से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जितना जुनून से स्टार्ट किए हैं उतनी गंभीरता वो समय के साथ साथ में कम होते दिखती है। यानी ऐसे लोग बार बार जो है ना मन बदलता है ऐसे लोगों का, एक जगह मन स्थिर नहीं हो पाता। और साथ में इनके साथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई होगी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो माइंड लाइन ही नहीं है, आपका माइंड लाइन राहु से निकला हुआ है। तो राहु से जिसका माइंड लाइन निकलता है वैसे ही इन लोग चालाक होते हैं। इनको समझ पाना तो दूसरे मतलब किसी के बस की बात ही नहीं होती। इनके मन में क्या चल रहा है इसको जज करना बहुत मुश्किल है। भगवान विष्णु भी राहु को नहीं पकड़ पाए थे। तो ऐसे लोग होते हैं इनकी मानसिकता में। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि ऐसे लोग जीवन में जब सक्सेस करते हैं, थोड़ा डिले से करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं बहुत बड़ा सक्सेस करते हैं। और आपका हाथ भी यही है, बताता है कि आप सक्सेस तो बहुत अच्छा करोगे जीवन में, बहुत अच्छा करोगे आप। और आपका जीवन में फॉरेन से कनेक्शन होना ही होना है। आपकी जीवन रेखा भी इशारा दे रही है और राहु की माइंड लाइन भी आपको यही इशारा देती है। ऊपर से एक रेखा यहाँ पे भी ऐसी बन रही है, तो फॉरेन से कनेक्शन आपके हाथ में दिखता है मेरे को। मैं बताऊंगा उस पर अभी, आगे और बात करेंगे तब। बाकी हाँ, आपका शुक्र पे तो लाजवाब शुक्र है, आपका एक्सेसिव स्ट्रांग शुक्र है और ऊपर से एकदम ही चिकना शुक्र है, बहुत अच्छा। तो आपको लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिलेंगी। क्षेत्र देखिए शुक्र का, आप कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र है शुक्र का। तो अंगूठे की बात करें, अंगूठा भी बहुत अच्छा है। तर्क शक्ति का फैलेंज और इच्छा शक्ति का फैलेंज और तर्क शक्ति का फैलेंज दोनों ही बढ़िया अवस्था में दिख रहा है। अंगूठा नुकीला है, थोड़ी सी एडाप्टिबिलिटी भी आपके अंदर में है। साथ में आप तार्किक बहुत हैं, किसी चीज़ की गहराई तक जाके सोचना ऐसे लोगों को पसंद आता है। मैंने कहा ना, इनको समझ पाना मुश्किल है। ये थोड़ा सा ज़्यादा तर्क वितर्क करना, और इनका तर्क वितर्क दूसरे को समझ में भी नहीं आएगा। ये अपने आत्म मंथन बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग। दूसरा चीज़ आप देखोगे, ये अंगूठा बली है। अंगूठा जब बली होगा ना, तो ऐसे लोग की बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा करने में बहुत सबल होते हैं। तो इनको कंप्रोमाइज़ कर पाना या इनसे पैसा निकाल पाना मुश्किल है। ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त बार्गेनिंग करते हैं। ऐसे लोग मार्केट में भी कुछ खरीदने गए तो ये जितने में पैसे में लेके आएंगे उतने पैसे में कोई दूसरा साथ ना ला पाए, ऐसी क्वालिटी इनकी देती है। एक इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे तिल है,
शुक्र में तिल है, गुरु में दाग है और शुक्र एक्सेसिव स्ट्रांग है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैरिड लाइफ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अभी आपकी शादी हुई नहीं है तो अभी मैं आपको पहली खुशखबरी ये दे दूँ, मेरे को जो रीडिंग आपने पूछा है शादी का एज का, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसी साल आपकी शादी होगी, इसी साल में आपकी शादी होगी ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, शादी हो रही है ठीक है, लेकिन शादी में आप बढ़िया से सब चीज़ देख परख के कीजिएगा शादी को, क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि कोई सेपरेशन, ऐसा नहीं। बस मेरे को कुछ ऐसा कुछ तो भी ऐसा लग रहा है कि विचार मैच नहीं है आप लोग का, ऐसा मुझे होता हुआ दिखता है, जिसके कारण से आपके मन में असंतोष होगा। या ऐसा कुछ हो जाए कि प्यार मोहब्बत सब चीज़ें बराबर हो लेकिन दूरी आपको सता दे, वो कहीं और आप कहीं और, ऐसी स्थिति जनरेट हो जाए, जॉब के कारण हो चाहे किसी कारण से हो, तो थोड़ा सा ये स्थिति जनरेट हो रही है। ठीक है, और दूसरा चीज, अपने गुरु और गुरु पे वैवाहिक जीवन हो गया और आपका शुक्र आपका दाम्पत्य ये सेक्सुअल लाइफ होगा, दोनों के बीच में तिल आना ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, और ऊपर से आपका शुक्र एक्सेसिव स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सनल लाइफ पे थोड़ा असंतोष आ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, है ना। शादी से पहले बढ़िया से आप लोग कुंडली उंडली मिला के विधिवत रूप से शादी कीजिएगा तो उतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन ये शुक्र आपको बहुत लाभ देगा, आपको लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा उच्च स्तर का आपका जीवन रहेगा, अच्छे से पहनना ओढ़ना, अच्छे से रहना, अच्छे से बन लोगों के सामने आना, अपने आप को प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ये देगा शुक्र, ये आपको बहुत अच्छा है। और ऐसे लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कला अवश्य होती है, जिसका शुक्र इतना अच्छा हो ऐसा इंसान कलाकार तो ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ कला आपके अंदर में भी अच्छी होगी। और देखिए आपका मैं बात करता हूँ बाकी गुरु पर्वत पे, तो गुरु पर्वत पे मैं देख रहा था एक लाइन है, तो पहले ही बताया मैंने धार्मिक भावना है सबके तरफ में इशारा रहता है, हालांकि ये दाग आपको बहुत नेगेटिव फल देगा। गुरु का पर्वत शिफ्टेड है, गुरु का पर्वत जब शिफ्ट हो और हार्ट लाइन थोड़ी तो डार्क होके चल रही है ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ मुझे यही इशारा लगता है, थोड़ा सा खटर पटर भरा दाम्पत्य रहेगा आपका। बाकी शनि फ्लैट है, शनि पे बहुत अच्छा यहाँ पे दिखता है, फ्लैट है, तो मेहनत का गुण होगा आपके अंदर में, मेहनती होंगे, मेहनत से जी चुराने वाले नहीं है, अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करते हुए, और साहस भी बहुत भरपूर है आपके अंदर में। शुक्र और मंगल बिल्कुल मैच होता हुआ स्थिति है, तो साहस तो बहुत ज़्यादा है, साहस के दुस्साहस भी बोल सकता हूँ मैं, ऐसी स्थिति है। और जब राहु पे ऐसी माइंड लाइन निकले तो ऐसे लोग जो है इस फैक्टर में थोड़ा सा शुक्र मंगल अपना जो अग्नि तत्व है उसको कंट्रोल करने के लिए गोपनीय तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा बचिएगा आप, है ना। मतलब ये आपको शुक्र जो है हो सकता है, अब तो यहाँ माइंड लाइन 36 के बाद में अच्छी हो रही, भगवान का अच्छा ये है, 36 से पहले की स्थिति में जब माइंड लाइन नहीं होती है तो ये अपनी इच्छा को भटकाता है, तो 36 से पहले की स्थिति में आपके मन में अपने शुक्र को लेकर भटकाव हो सकता था, लेकिन अभी यहाँ पे माइंड लाइन जनरेट हो गई है तो अभी काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, अभी कोई टेंशन नहीं आएगा। तो इस चीज़ से सेक्सुअल पार्ट में उतना ज़्यादा दिक्कत अभी नहीं आता दिखता है, लेकिन फिर भी शुक्र बहुत तेज है। और बाकी शनि का पर्वत भी यहाँ पे थोड़ा शिफ्टेड है, जब ऐसा शनि का पर्वत यहाँ पे सूर्य साइड में शिफ्टेड मिलेगा तो ऐसे लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी एक इनकी दुनिया होती है, ये बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिलते नहीं है, अपने आप को ओपन नहीं करते लोगों के सामने में, इनका जो चेहरा दिखता है वो चेहरा होता नहीं, इनके अंदर में एक और चेहरा होता है जो वास्तविक चेहरा होता है। अब यहाँ से भी एक रेखा जाके शनि से सूर्य कॉन्टेक्ट करा रही है, तो ये जब भी होती है तो ऐसे लोगों का 36 साल के पहले तो स्टेबिलिटी आता ही नहीं है, स्ट्रगल खूब कराता है, लेकिन 36 के बाद में खूब धन देता है रेखा, साथ में फॉरेन से कनेक्शन को भी दिखाता है ये रेखा। और इनके हाथ में जब मैं ये देखा कि ये तो कनेक्शन यहाँ से माइंड लाइन भी बता रहा था कि 35 से पहले स्ट्रगल किए होंगे ये, और उससे पहले उसके बाद में माइंड लाइन आ रही है, मतलब उसके बाद प्रोग्रेस आएगी, और यहाँ से भी ये चीज़ बता रहा है। और सेम चीज़ यहाँ से देखो आपकी जीवन रेखा भी चंद्रमा पे आग ख़त्म हो रही, तो ये ज़रूर आपको फॉरेन से कनेक्शन मेरे को दिखाता है, और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। देखिए अब ये देखिए, ये दो भाग में है आपकी जीवन रेखा, तो आपकी जो भाग्य रेखा भी दो भाग में होने के कारण से ये फर्स्ट हाफ है आपका, फिर जो आफ्टर मैरिज ऐसा कुछ संयोग बने कि आप इधर पे चले जाओ, क्योंकि आपका जो जॉब प्रोफाइल आप बता रहे हो उस हिसाब से मेरे को ये नहीं लगता है, तो हो सकता है आपका पार्टनर का जॉब प्रोफाइल ऐसा हो, आने वाला पार्टनर का, उसके कारण से आप ये फिर शिफ्ट कर जाओ और फिर आपका इनकम फॉरेन से होने लगे,
ऐसा भी हो सकता है फॉरेन लैंड, क्योंकि कनेक्शन बहुत तेज है आपका फॉरेन लैंड से, ठीक है। बाकी देखो शनि बात कर लिया मैंने, सूर्य पे बात करता हूँ। सूर्य पे भी ये रेखाएं बहुत सारी नीचे गौ पुच्छ बना रही हैं, और हालांकि एक बहुत सुंदर सा यश साइन बना हुआ है आपके सूर्य पर्वत पे। सूर्य पर्वत पे जब भी यश साइन बनता है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट से लाभ कमाते हैं, सरकारी नौकरी पे जाते हैं या सरकारी तंत्र से लाभ कमाते हैं, और आप भी जैसा मैं आपने बताया है उस हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में हैं, और ये इनका प्रूफ भी यहाँ पे क्लियर दिखता है। लेकिन ये अभी अभी परेशान होंगे अपने डिपार्टमेंट से, पार्टी पॉलिटिक्स से परेशान होता है आदमी, या पिता से परेशान होता है। ऐसा कोई भी जिसका सूर्य जिसका कारक बनता है पिता का बनता है, अपने डिपार्टमेंट में बॉस का बनता है, अपने अधीनस्थ लोगों का बनता है, जो कलीग्स हैं उनका बनता है, उनके कारण से किसी न किसी के कारण से ऐसे समय में परेशानी झेलनी पड़ती है। अपने पास पड़ोसियों से, ये पड़ोसी को भी बताता है, पास पड़ोसियों से भी परेशानी हो तो गौ पुच्छ बनती है। तो उनमें से अभी किसी का परेशानी इनके जीवन में, उनके कारण से परेशानी जीवन में चल रही है। तो जैसे इनसे बातचीत हुआ मुझे ऐसा लगता है कि ये पिता के कारण से ही इनके जीवन में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं। बाकी ये आपकी बुध की रेखा, बुध में खड़ी खड़ी रेखाएं हैं और काफ़ी लंबी रेखा है जो बिल्कुल यहाँ से, तो बिजनेस का सेंस भी आपके अंदर में अच्छा है। आप कुछ खोजी वाला काम भी कर सकते हैं, जैसे कुछ PhD की पढ़ाई होती है ना, उस स्तर के लंबी पढ़ाई की तरफ में भी आप जा सकते हो। और ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, दिखने में ऐसे लोग सुंदर होते हैं। वैसे भी बुध को मत देखिए आप, इनका शुक्र ही देखिए। शुक्र जिसका इतना अच्छा है, मतलब लग्न में शुक्र तो ज़रूर होगा इनके, और लग्न में शुक्र होगा तो आदमी सुंदर होता ही होता है, इसमें नो डाउट है। तो आप सुंदरता तो शुक्र भी आपको बता रहा है, बुध भी बता रहा है, बहुत अच्छे कंडीशन में आपकी हाथ में दिखाई दे रही है ये स्थिति। बाकी छोटी उंगली हो गई, ये आपको थोड़ा सा डिमेरिट हो गया, अदरवाइज बुध आपको बहुत सही है। थोड़ा सा आपको अपने नाम और अपनी प्रशंसा सुनने का आदत होगा, इससे थोड़ा बचिए आप, है ना, क्योंकि पर्वत शिफ्ट है। ऐसे लोग अपनी काम का रिफ्लेक्शन चाहते हैं, काम का नाम चाहते हैं, अगर नहीं कोई तारीफ किया तो जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, फिर मायूस हो जाते हैं, ऐसी स्थिति रहती, कोई बुराई कर जाए तुरंत मायूस हो जाते हैं ऐसा। तो दूसरे के आँख में अपनी प्रतिभा को मत आंकिए, आप अच्छा करते हैं, अपने आप में विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है, यही मैं बोल सकता हूँ। दूसरे से मत सोचिए कि उसका रिफ्लेक्शन क्या आने वाला, ठीक है, तारीफ मत खोजिए आप। उसके बाद देखिए बात करते हैं आपकी कुछ विशेष स्थितियों पर। पहले हार्ट लाइन पर बात करता हूँ, ये हार्ट लाइन थोड़ी डार्क होकर चली आपकी, जो नहीं चलनी चाहिए थी, और जीवन रेखा भी आप देखोगे तो डार्क होकर चल रहा है। तो ऐसे समय में आदमी को पारिवारिक उलझन घेरती है, और इमोशनली ये इमोशंस है, ये परिवार है, तो पारिवारिक इमोशंस में ऐसे लोग जो है झेलते रहते हैं, पहले माता पिता का, उसके बाद में पति पत्नी के बीच में, ऐसा कुछ भी स्थिति जनरेट हो सकता है। थोड़ा रहेगा उलझन आपको, वो यहाँ से भी दिखता है, गृहस्थी सुख में थोड़ा कमी खाता है, ये दाग नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा दाग है ये, तो गृहस्थी सुख में कमी आएगी आपको, असंतोष आएगा उसमें। अब यहाँ ये असंतोष है तो पक्का इसमें गृहस्थी में असंतोष का कनेक्शन आपका दिखता है, ठीक है। बाकी हाँ, अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एक हार्ट लाइन ऐसा गया, फिर ये हार्ट लाइन का ब्रांच इधर गया, बीच में भाग्य रेखा से लपटा गया, यहाँ से यहाँ तक भाग्य रेखा से गूथना, कभी भी भाग्य रेखा का हृदय रेखा से गूथ जाना, भले ही छोटी डिस्टेंस पे क्यों ना हो, ये इसको एक योग बोलते हैं, ऐसा एक कनेक्शन को हस्तरेखा में एक योग का नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं उल्टा योग। तो उल्टा योग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 50-60 से ऊपर प्रकार होते हैं, मैं जब जाऊंगा उस पर तो उसको भी आपको बताऊंगा। तो ये एक टाइप का उल्टा योग है, जिसके कारण से ऐसे लोगों का वैवाहिक, उल्टा योग मतलब से नाम से शब्द ख़राब है, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम को ये इशारा यहाँ पे भी दे रहा है, अच्छा है कि ज़्यादा लंबा समय तक नहीं गुथा है, लेकिन फिर भी ये अपनी असर तो दिखाएगा ही, ठीक है। तो आपको इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कुंडली उंडली मिलान करके ही कीजिएगा प्रॉपर तरीके से, और आपका मंगल भी उभार बहुत है, और मंगल पे रेखाएं बहुत सारी हैं, छोटी छोटी रेखाएं जो जीवन रेखा बहुत बार काट रही हैं, तो ये आप मांगलिक हैं, ये भी इशारा आपके हाथ में दिखता है। आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था और वैसा ही हाथ अभी देखने को भी मिल गया। तो ऐसे लोग थोड़े से मांगलिक होते हैं, तो ये भी स्थिति आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि आप देखिए इनका हाथ में अगर गौर से देखेंगे राहु के क्षेत्र पे, तो इनका राहु का क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है आपको, भले इनकी माइंड लाइन इनको साथ नहीं दी, लेकिन राहु इनको सपोर्टिव है। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे,
ये सूर्य रेखा भी टूट टूट के आई है सही, लेकिन यहाँ से निकल रही है। अब बुध की रेखा भी यहाँ से निकल रही है। तो जब कभी ऐसा संयोग बनता है, इसे लोग जीवन में अच्छा सफलता हासिल करते हैं, ठीक है, सफलता आपको बड़ी मिलेगी। और तो धन की स्थिति के लिए तो मुझे कोई संदेह नहीं, धन आप अच्छा कमाएंगे जीवन में, बहुत अच्छा कमाएंगे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा कमाएंगे। मान सम्मान थोड़ा सा मलिन होके मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। मान सम्मान के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो सकता है कि एक आग बार दाग भी आए आपको, लेकिन आपका फिर भी आप कवर करके मान सम्मान हासिल कर लेंगे, ऐसा आपके हाथ में दिखता है। अब जो स्थिति में बात कर रहा था आपकी भाग्य रेखा में, मैं आके पहले जीवन रेखा पर ही बात कर लेते हैं। देखिए 25 की उम्र में एक परेशानी, यहाँ पे मेजर कट लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ परेशानी आई होगी। उसके बाद 27 के एज में परेशानी आई आपको, उसके बाद में ये जो आपको एज दिख रहा है ये 33 के आसपास के एज में इनको प्रोग्रेस मिला। क्यों? माइंड लाइन का एक फोर्क निकल गया है यहाँ से, माइंड लाइन कनेक्ट, इसको माइंड लाइन पकड़ के चलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये आपने जब भी ऐसा स्थिति दिखता है तो उदय को दिखाता है, भाग्य उदय को दिखाता है। तो 33 के आसपास में आपकी नौकरी लग गई, इसने आपको प्रॉफिट दिया। उसके बाद में आप देखोगे एक बहुत बारीक सी रेखा है, जो आपको शायद इस पिक्चर में उतनी क्लियर नहीं आ रही या वीडियो में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये है कनेक्शन, यहाँ पर क्लियर है। ये एक रेखा यहाँ के माइंड लाइन को कनेक्ट कर रही है, यहाँ से ये रेखा आपकी दिखा रही है। ये लगभग आएगी अभी की एज में, 36 के एज में ये कनेक्शन दिखा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 36 के इसी साल में आपकी शादी होगी, ये आपकी शादी कराएगा, ठीक है ना। तो अभी आपकी शादी का जो प्रश्न था, इसी साल आपकी शादी का योग आपका क्लियर दिखता है। और उसके बाद जीवन में थोड़ी आपाधापी वाली स्थिति रहेगी, पहले आप माता पिता या परिवार से परेशान थे, अभी हो सकता है शादी के बाद थोड़ा सा गृहस्थ में आपको परेशानी आए, ऐसी स्थिति जनरेट करेगी, ठीक है ना। और एक जो अब ये हो सकता है कुछ अटैचमेंट आपका रहा होगा 27 के आसपास के एज में, उसको बात करना बेकार है। अब ये देखिए इस पर बात करते हैं भाग्य रेखा पे। अब भाग्य रेखा में देखोगे ये जो फोर्क बना है ये इनका 33 का जाता है, 33 का, 33 के बाद में आप यहाँ से देखोगे 38 में एक कट लगेगा, फिर 39 में एक कट लगेगा, लेकिन जो भी कट लग रहा है बहुत माइनर कट है, इसमें कोई मेजर कट कहीं पे नहीं। ये वाला फिर भी थोड़ा बहुत पकड़ सकते हो, 38-39 वाला, ठीक है। उसके बाद में इनके जीवन में स्मूथ तरीके से जीवन चल रहा है, लगभग 42 के एज तक तो जीवन सही है, 42 के बाद से इनके जीवन में एक बदलाव देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है 42 के एज के बाद से आपके जीवन में कुछ तो भी शिपमेंट होगा, आप अर्निंग सोर्स में कुछ चेंज करेंगे, या कुछ आपके विचार में ऐसा बदलाव जरूर आएगा, ये कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको जरूर कराएगा। ऐसे समय में आदमी जॉब चेंज करता है या कुछ लाइन चेंज कर देता है, जैसे कि कुछ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, जो थोड़ा सा एरिया अलग हो, ऐसा कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं जब ये चेंज को देखा तो मुझे ऐसा लगता है आपकी जीवन रेखा जरूर असर दिखाएगी, और ये जो रेखा है फॉरेन कनेक्शन वाला, हो सकता है ऐसा कुछ संयोग बने आपके पार्टनर साइड से कि आपको आप फॉरेन चले जाएं पार्टनर के साथ में, और वहाँ जाके फिर अपना जॉब वॉब कुछ करने लगे, ऐसा कुछ संयोग हो सकता है। अगर नहीं गए तो आप अपने जन्म स्थान से दूर में जाके शिफ्ट हो जाएंगे, आप अपने जन्म स्थान से दूर में जाके आपका सेटलमेंट दिखा रहा है, और फिर ये कुछ डिपार्टमेंट या कुछ कार्यस्थल में परिवर्तन दिखाएगा, और फिर वहाँ से आपको कुछ सेवा वाला कार्य करके आप धन कमा सकती हैं, ऐसा भी होगा। तो दो आपको प्रेडिक्शन आता है, दोनों प्रेडिक्शन मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। आपने हेल्थ के लिए पूछा है, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपका डामाडोल स्थिति रहेगा, मतलब थोड़ा तो चिंता आपको शारीरिक रूप से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्थिति है जब काली होकर चलती है जीवन रेखा, ऐसे समय में आदमी आए दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ये बड़ी तकलीफ़ नहीं देती है, छोटी छोटी तकलीफ़ों पे लगा रहता है, लेकिन तकलीफ़, ठीक है। तो और जो आपकी तकलीफ मुझे ऐसी लगता है, ये आपका जो मंगल रेखा देखने के बाद में, सॉरी मंगल पर्वत देखने के बाद में आपको हार्मोनल प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ आ सकता है, इस पर आप ध्यान रखना। ये आपको बार बार, मतलब हो सकता है भली छोटी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये लंबे समय तक चलती रहेगी, ऐसी स्थिति जनरेट करेगी, क्योंकि दोनों एक्सेसिव स्ट्रांग है, ठीक है, और ऊपर से बारीक रेखाएं हैं उस पर। तो ये थोड़ा सा स्थिति यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम देंगी। बाकी आपने करियर को लेके पूछा था, करियर के मामले में तो शानदार है, इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। करियर पैसा आप अच्छा कमाएंगे, जीवन में मान सम्मान ठीक ठाक कमा लेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक कमा लेंगे। और आपने हेल्थ का पूछा, तो हेल्थ में कोई मेजर मेरे को तकलीफ नहीं दिखता है, जो भी है अब जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ते जा रही है और अच्छी होते जा रही है, तो लगभग आप ये पकड़ के चलो 42 तक
42 तक आपको ये जो चीज़ें थोड़ी परेशान करेंगी, उसके बाद में फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा जब भी इस टाइप का घेराव लेके चलता है ना शुक्र, ऐसे समय में आदमी को थोड़ा सा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम या फिर गैस के कारण से ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम, ये जो चीज़ें हैं इससे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आप पानी ज़्यादा पिया कीजिए और जल तत्वों का जितना ज़्यादा अपने जीवन में आप उपयोग कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए, आपके लिए सही है। जब तक कि शादी नहीं हो जाती तब तक, शादी के बाद में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, आपके हाथ का जो भी प्रश्न था उसको इंक्लूड करके मैंने विश्लेषण कर दिया है। आशा करता हूँ आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।